लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये जो खास अवसर है, एक शादी करवाने में कितना खर्चा होता है ये आप जानते हैं? ऐसे में बहन वंदना देवी बहुत सालों से ये सामूहिक विवाह करवा रही है, इसके लिए इन्हें नमन करना चाहता हूँ। थैंक यू बहन वंदना देवी जी। बस ये सेवा हमारे समाज के लिए ना करती रहे, इनकी सेवा बस इस क्षेत्र के लिए सीमित ना रहे, इसीलिए राजकीय क्षेत्र में मैं इनका स्वागत आपकी तालियों के साथ करना चाहता हूँ। इस मौके पर वंदना देवी जी को इस सिलसिले में दो शब्द कहने की मैं गुजारिश करता हूँ।
लीजिए। आप सभी को नमस्ते। ये वंदना यहाँ तक पहुँच पाई है तो उसकी वजह है आप सभी का प्यार। अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस एक छोटा सा काम किया है, पर आपने इसे बड़ा बनाकर मुझे इस जगह पर पहुंचाया है। मैंने जो किया है वो एक बूंद है, और मैं जो करना चाहती हूँ वो सागर जितना है। आपके प्यार और विश्वास को आप सदा मेरे साथ रखिएगा, बस यही बिनती है। नमस्ते। अरे महा, अरे पिताजी, उस लड़की ने दवाई दी, सेंटीमेंट भी दिए, इतना सब कुछ किया, पर मेरे घुटनों का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाप रे। जब से यहाँ पर आया हूँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, लूज मोशन ही हो रहा है, हाथ सूखते नहीं है मेरे। अगर ढंग का खाना नहीं खिला सकते हो तो यह आश्रम खोलकर क्यों बैठे हो तुम लोग? ज्यादा बड़बड़ मत करो, यहाँ पर सबको एक जैसा खाना मिलता है, एक जैसी सेवा मिलती है। किसी और को खाने से कोई तकलीफ हो रही है क्या? सब अच्छा, सब अच्छा है। सब कुछ ठीक है। इस आश्रम को चलाने वाली कोई बड़ी हस्ती नहीं है इंसानियत के लिए, वो इस आश्रम को चलाने के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है तुम जानते हो क्या? ज्यादा बात मत करो, कई दिनों से देख रहा हूँ मैं, जब मर्जी होती है आती है, जब मर्जी होती है चली जाती है, लेकिन दुनिया के लिए अम्मा मदिलू है, लेकिन आश्रम चलाने वाली अपनी पल्लू पर पिन भी नहीं लगाती। तो है तुम्हारी जिंदगी पर, कैसा आदमी है रे? सड़क किनारे तुम मर रहा था, कोई देख भी नहीं रहा था, वहाँ से उठाकर यहाँ आश्रम में लाकर एक माँ की जैसा ख्याल रखा, ये जानते हुए भी कि तूने उनके साथ अन्याय किया है। अन्याय किया है? मैंने उस पर क्या अन्याय किया है? आराम से चलो, हमारा एक बेटा हो जाएगा तभी तो हमारा वंश आगे चलेगा। एक बेटी हुई है ये देखते ही तू उसे रास्ते पर छोड़ के चला गया, पता ये अन्याय नहीं है पापी? मतलब पावनी मेरी बेटी है? वो लड़की ही तो इस आश्रम की माँ समान है। लाओ बेटी, ये लीजिए, ये रख लो। अरे ये क्या, ये रो क्यों रहे हैं? सुबह से इन्हें जुलाब लगी हुई है। अरे इतनी सी बात के लिए टेंशन मत लीजिए, एक हफ्ते से आप दवाइयों पर है। आपकी शराब की आदत छुड़ाने के लिए मैंने ही आपके खाने में दवाई डालने कहा, कल से आपको नॉर्मल खाना मिलेगा, ठीक है ना? अभी आपको शराब पीनी नहीं है ना? नहीं बेटी, इस जीवन में तो नहीं पीऊंगा। आज के बाद से आप अकेले हैं ऐसा कभी भी मत सोचना। देखिए हम सब यहीं पर है, है ना? आपको जो भी चाहिए हमसे कहना, ठीक है? ठीक है बेटी। चल बेटा, जीवन में कभी हार नहीं मानना। चक्रव्यूह से कैसे निकलने का है तुझे मैं सिखाऊंगा। अब चल। रूपा 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 क्या भैया, शर्म नहीं आती है क्या? बेटा धोने में कैसी शर्म, रूपा हो या फूफा हो दोनों को धोना ही पड़ता है, नहीं तो नीचे खलबली हो जाती है। क्यों टेंशन लेते हो भैया, मेरे जैसा बनो। कैसा बनूं? बाप रे बाप, क्या दिखा रही है सुबह सुबह? याहू
याहू याहू हु हु हु। हेलो लड़कियां बांधती है राखी, मैं हूँ टाइगर कबाब जैकी, बताओ क्या रह गया बाकी? बाकी बताने की कोई जरूरत नहीं है काले डामर, तूने 10,000 रुपए 6 महीने पहले लिए थे, ना ब्याज दिया ना मूल दिया, इसीलिए तेरे घर आ रहा हूँ मैं। अरे भाई अब कुछ महीने लेट हो गए, मैं तो काम के सिलसिले में कंबोडिया आया हूँ। सर अरे आम बोडिया नहीं कंबोडिया। तुम लोग उधार लेकर देश छोड़कर भाग जाते हो और भुगतना हमें पड़ता है। सर अब तेरे को क्या चाहिए दाढ़ी बाबा? ऑटो वाले ने चीटिंग की है सर, मैंने बोला अंधेरी छोड़ने के लिए, वो मुझे कंबोडिया छोड़ कर गया, ये अंधेरी कहाँ पड़ेगा सर? अरे यार ये अंधेरी तो है, ये कंबोडिया ऐसा किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुझसे? हाँ फोन पर आप ही बोल रहे थे ना सर। कट हो गया कट हो गया। ये क्या यार, किसी ने बात छोड़ी, मुझे खुजली होने लगी। कंबोडिया ए मारो इसको। अरे मैं मार रहा हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे बिल्ली हमी से मैं हूं, इंडिया में ऐसे लोगों को मारा जाता है। मार सर मार, छोड़ना मत, मारो छोड़ो, और मार, फाड़ मत देना। इसे इस तरह क्यों मार रहे हो? पैसे लिए शान से और लौटा नहीं रहा है, इसीलिए मार रहा हूं। मार रहे? अरे रुको रुको, कितने पैसे लिए हैं? 10,000 तो सिर्फ मूल है, 5,000 ब्याज चढ़ गया है। ब्याज छोड़ो मूल बोल। अरे मूल छोड़ो मैडम, इनके बहुत चूल्हे हैं। रुको रुको हेलो डामर, ये पकड़ो। हाँ हो गया ना, फिर से शिवाजी नगर में दिखा ना, लटका दूंगा। ये चल रहे अफगानी कबाब, मैं फॉरनर है, मैं रहेगा यहीं पे। क्या रे, इतने लोग मिलकर एक को मार रहे थे, तुम खड़े खड़े देख रहे थे, कम से कम रोक तो देते। मेरी बात सुनते क्या वो? मेरी बात तो सुनी ना। हाँ तुम लड़की हो ना, इसलिए तुम्हारी बात सुनी। आपने मेरी सुताई होने से बचा ली मैडम, आपका ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा इस जन्म में? अरे प्लीज रहने दो, मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना ही इंसानियत है। वो पैसे मेरे नहीं थे, आश्रम के लिए थे, बिना सोचे समझे तुम्हें दे तो दिए, पर मेरे सारे पैसे बाद में तुम लौटा दोगे ना? लौटा दूंगा ऐसा तो आप सोचेगा भी मत। वो जल्द से जल्द पैसे लौटा देगा कह रहा है। ठीक है ठीक है, वही मतलब था। हाँ ये विजिटिंग कार्ड है, इस पर मेरा नंबर है, पैसों का इंतजाम होते ही मुझे कॉल कर देना। ठीक हाँ बिल्कुल करूंगा। ओके चलती हूँ। पापा की परी अचानक से उड़ चली। दाड़ी बाबा चलो ये बताओ नाम क्या है? राम। राम और आए कहाँ से? वहाँ तिहार से। हाँ ठीक है बिहार से हो तो कहाँ से हो? बिहार में तिहार जेल से। तिहार जेल? मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे कहाँ रहने वाले हो आप? अभी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हो? जेल से निकला बात भी है, आज नहीं तो कल ये मेरे काम आ जाएगा। अरे तुम कहीं और क्यों रहोगे, मेरा डबल बेडरूम रूम है, मेरे साथ ही रहो। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, आ जाओ आज हम दोनों दोस्त। ओके आ जाओ, ये है अपना अमीर खाना। घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुमने तो बोला था डबल बेडरूम घर है। हाँ तो सही तो बोला था, ये है पहला बेड, ये है दूसरा बेड, और ये है रूम, हो गया ना डबल बेडरूम। दो गद्दे और होते तो 4 BHK बन जाता ना। ए, तुम्हारे पास घर नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी है, और तू मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। चल बैठ जा। एक मिनट। इतने सारे पैसे पहली बार देखे क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे पड़े हैं तो उन लोगों की मार क्यों खाई? चुपचाप लौटा देते ना पैसे। मेरी बचपन से एक प्रॉब्लम है, पैसा लेने के बाद मैं लौटाता ही नहीं हूँ, ओनली इनकमिंग नो आउटगोइंग। ठीक है पर उस लड़की ने तेरा कर्जा उतारा। हाँ? उसका क्या? उसका क्या, मैंने थोड़ी बोला था कर्जा उतारे, मैंने तो उससे क्लियर कट बोल दिया था। क्या बोला था? इस जन्म में तो मैं आपका कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगा। अच्छा इतने पैसों को घर में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पैसों के लिए आजकल लोग जान ले लेते हैं। क्या गुरु तू तो डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ तुम्हें। तू तो जेल से छूट के आया ना, तो तेरे पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, तो इस पैसे का क्या किया जाए? बैंक में रखो ना, तुम भी सेफ पैसे भी सेफ। सही बोला। अरे यहाँ कौन सा मंदिर है? मैडम ने हमारी शादी तो भगवान के मंदिर में ही करवाई है ना।
हम उन्हें थैंक्स तो बोल ही सकते हैं। थैंक्स नहीं, उन्हें झुककर भी सलाम करे तो भी कम ही है। इन लौंडों ने तुम्हें छुआ तो नहीं ना? छुआ भी तो क्या हुआ, हमारे गले के मंगलसूत्र हैं ये। तुझ में ना गर्मी तो कुछ ज्यादा ही दिख रही है। सिंगल आदमी सिंगल मंगलसूत्र, उससे क्या मिलेगा रे? हर घंटे एक नया आदमी तुझे चूमेगा, ऐसी मस्त जगह ये। तो है तुझ जैसे आदमी पर, तेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी की थी तो यहाँ लाकर मेरा सौदा कर रहा है। ये सब मैं नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तू नहीं करेगी? दीदी आपने मेरे लिए फैसला लिया था, आपने ही सबके सामने हमारी शादी करवाई। मेरे पति पापी है तो क्या हुआ, मेरी किस्मत में यही था सोचकर जिंदगी गुजार लेंगे। भगवान के लिए हमें इस नरक में मत झोंकिए, भगवान के लिए हमें इस नरक में मत झोंकिए। ओहो, इस धागे का सेंटिमेंट है। तुम सबको यहाँ पर लेके आए हैं धंधा करवाने के लिए, जो मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा, मैं कहूँगी उसके साथ सोना पड़ेगा। देवी, वंदना देवी, समाज सेवा के नाम पर हम जैसे लाचार लड़कियों का मदद के नाम पर शोषण कर रही हो, हमारा शरीर बेचने के लिए हमें इस धंधे में ढकेल रही हो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, देखना तुम। ए, ज्यादा नखरा करेगी ना, नरक तुझे इधर ही दिखा दूंगी मैं। चल देख क्या रहे हो, खींच के लेकर जाओ। ये ना वंदना का अड्डा है, मैं जैसे बोलूंगी वो सुनना होगा, जो बताऊंगी वो करना होगा, एक एक को बारी बारी से काट दूंगी। हाँ समझ गई ना कच्ची कली, मेरी बात सुननी पड़ेगी। खाना खाओगी? चाहिए, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना दे दो। मैं जो भी कहूंगी वो सुनोगी ना? सुनूंगी, तुम जो बोलोगी वो सुनूंगी, प्लीज खाना दे दो। डंडे के डर से खूंटे से बंदा सांड भी सुनता है, तो छोटी छोटी चिड़िया नहीं सुनेगी क्या, बता मुझे। खाना दे दूं? दे दो, प्लीज दे दो। नो, तुझे इतनी आसानी से नहीं दूंगी, जो मैं बोलती हूँ वैसे कर, ना धोके रेडी हो जा। रेडी होगी ना तू? हो जाऊंगी। गुड गर्ल। तो फिर कितने अकाउंट है तेरे पास? हा? चाय वाले के पास, राशन वाले के पास, बार वाले के पास, होटल वाले के पास, इतना ही नहीं सुलभ शौचालय वाले के पास भी है। अरे पागल, बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे वो सब बुरे काम मैं नहीं करता। हेलो मैडम। हेलो, उसे क्यों बुला रहा है? अरे बात करने के लिए। मैं समझ गया, कल उसे देखते ही तुझे उससे प्यार हो गया था, मैंने देखा। अरे रुकिए 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 मैडम रुकिए, सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था मैं। किस लिए? वो क्या है ना, आपके पैसे वापस करने के लिए है? ये मरा जा रहा है, जितने दिए उतने ही नहीं उससे ज्यादा देने वाला है। क्या बोल रहा है? पैसे निकाल। ठीक है ये लीजिए। थैंक यू। देखा, लिए हुए पैसे वापस करने वाला कितना ऑनेस्ट बंदा है, और फिर भी बेचारे को मार रहे थे। एनीवे थैंक यू सो मच, मुझे थोड़ा काम है, अब मैं चलती हूं। ठीक है ठीक है, जाइए जाइए। आशिक बड़े हरामी होते हैं।
हाय। मैं तुम सबके लिए सरप्राइज लाई हूँ, सब मिलकर खाना ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। दीदी मुझे भी दो ना। अच्छा स्कूल के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल जाते हैं तो दूध अंडा और गरम खाना मिलता है, हमें जाना होता है लेकिन क्या करें, हमारे माँ बाबा के पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है? ठीक है वो कहाँ है बताओ, मैं उनसे बात करती हूँ। वो तो बहुत दूर है। एक मिनट रुक जाओ, किससे मिलना है तुम्हें? मुझे यहाँ के स्लम के बच्चों के माँ बाप से मिलना है। ठीक है। मैडम है क्या? नमस्ते मैडम, यहाँ के गरीब बच्चों को मैं जानती हूँ, वो लोग आजकल स्कूल नहीं आ रहे हैं। जब उनसे पूछा तो कहा कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पर काम करते हैं, क्या आप उन्हें बुला सकती है, मुझे उनसे बात करनी है। देखिए बच्चों के फ्यूचर के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उन्हें बुलाएंगे तो मैं उन्हें कन्विंस करूँगी। ए तू किससे बात कर रही है, तुझे पता नहीं है क्या? चंदा मामा देखकर चुपचाप खाना खाने वाली, माँ के कहानी पर सिर हिलाने वाली, तुझे ये छोटी बेबी लगती है क्या? तुम्हारी माँ की कहानी की ये डाइन है। ए इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। हे बेबी बेबी, इस प्यारी सी गुड़िया को क्यों निकाल रही हो? इसे देखकर तो हमारे बाजार में पटाखे बजने लगेंगे। पावनी पावनी, खाना खाने बाहर आ रही है, आ जाना। अरे आना। अब भी इसे अक्कल नहीं आई, वंदना के द्वार पर आई हर कली बिना खुले नहीं जा सकती है, अंदर ही रह जा मत आ। इस साल के सीमेंट रोड के टेंडर के लिए दिए हुए नाम में से श्रीमान गोगिनी नायडू इनको ये टेंडर दिया जा रहा है। देख कृष्णा, तू अपुन को अपना दुश्मन समझता है, टेंडर जीत कर तेरे को हराने के बाद मीठा खिलाने के लिए ढूंढ रहा था। हारने के लिए कांग्रेचुलेशंस। तेरी तो मीठा खिलाने का बोल की मिर्ची लगाने आया है, आज तक टेंडर अपन का ही मिलता रहा है, समझा ना? हाँ हाँ हाँ, आज तक नहीं, आज के पहले। अपुन का जब हाथ उठेगा ना तो सिर्फ टेंडर ही नहीं, कान के नीचे बजेगा थंडर और सब तरफ आ जाएगा भवंडर। ज्यादा मत उड़, पहले ये जीता हुआ टेंडर तो खत्म कर, बिल पास करने में ही गिर जाएगा। अपुन के गिरने से फिर से तेरी इज्जत पड़ जाएगी, ये दिमाग से निकाल दे। तू बस इस कीचड़ में ही पड़ा रहे, अगर तू इससे निकलकर अपुन के धंधे में आया ना तो इसी मिट्टी में अपुन तेरे को जिंदा गाड़ देगा। तू खेल के मैदान को कब्रिस्तान बनाएगा, तेरे शरीर की एक एक हड्डी को तोड़कर उसमें आग लगा दूंगा और तू देखता रह जाएगा। चैलेंज।
इस लंगोटी गैंग के सांड को लेकर अपुन के साथ 2020 खेलेगा। ए, सुन, आने वाले टाइम में इस लंगोटी गैंग की लंका जला के सिग्नल पर भीख मांगने के लिए नहीं लगाया तो अपुन का नाम नायडू नहीं। भाई आपके जलवे को देख के पहलवान कृष्णा के मीटर का हलवा बन गया है। मुल्तानी मिट्टी शरीर पे पोत के मैदान की मिट्टी में बैठा होगा। पहले उसके एरिया से ही काम शुरू करेंगे भाई। अगर उन लोगों ने कुछ हंगामा किया तो अगर असली मर्द ये लोग हैं तो तू क्या है, है? बाहर खड़े होके बोलना आसान है जैकी, एक बार अखाड़े में उतर पता चलेगा। हाँ हाँ अखाड़े में पता चल ही जाएगा।
हेलो कमिश्नर जी, कैसा लगा कल रात को हुआ रिजॉर्ट का मेला? पूरी रात बर्बाद कर दी। तुम्हें मेरा टेस्ट पता नहीं है क्या? काम की छोड़ो, कॉमन सेंस भी नहीं था। आपने जो लड़की बोली थी वही तो भेजी थी ना सर? कुछ करना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाने दिया। अगली बार अच्छी नहीं भेजी तो तेरे अड्डे पर रेड डाल दूंगा। बी केयरफुल। ओह सॉरी सॉरी, अगली बार ना टॉप क्लास लड़की भेजूंगी। ये गधी, तेरी कंप्लेंट थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, बताया था ना नखरा नहीं करने का। पुलिस था वो? पुलिस? पुलिस नहीं था दीदी, जानवर था। दीदी मैं आपको यही बताने आई थी, वो साइको की तरह बिहेव कर रहा था। हलकट है कुत्ता, अगर उसको करने नहीं दिया तो किसी और को करने भेजेगा। ठीक है, अगली बार तुझे उसके पास नहीं भेजूंगी। सरोजा इसे लेकर जाओ और ट्रीटमेंट दे दो, और 2 हफ्ते के लिए आराम करना। जा तू। उस नई लड़की का क्या हुआ? वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। लास्ट चांस, उसे मनवाओ, अगर मानी तो ठीक है, नहीं तो हिजली को भेजूंगी। नहीं दीदी, मैं उसे समझाती हूँ। ए राम, तू जा, विनर के जैसे जा। आज से अपन का लाइव बैंड, अपन का डार्क बैंड, कंस्ट्रक्शन और लेआउट बिजनेस सब तेरे को सौंपता हूं। ये सारे के सारे आज से तेरे लिए काम करेंगे। लेकिन भाई वो क्या रे, तेरे को कुछ बोलना है क्या? यहाँ हम लोग इतने सीनियर लोग खड़े हैं, कल के आए इस छोकरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं आप? अबे तेरी तो, कल जब अटैक हुआ था तब तेरी सीनियरिटी एक्सपीरियंस किधर को गई थी? एक बार जान बचाई तो क्या हुआ भाई, इस फील्ड में आपकी सारी डील्स में हम साथ खड़े थे, हमारी वजह से मिली है, भूलिएगा मत। भाई अगर हमने छोड़ दिया ना तो एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, फिर देख लेना। आपके कहने पर कितनी डील करवाई है भाई, हाथ की शराब छोड़ कर आए हैं, बीवी को बिस्तर पर छोड़ कर आए हैं, सिर्फ आपके काम के लिए भाई। अब बस भी करो, फील्ड में तो सालों से हो, कुछ नहीं किया किसी ने भी, अब तुम लोग क्या करोगे? किसी जमाने में अपुन नायडू बिरयानी होटल चलाता था, झूठी थाली में बची हड्डियों को खुद क्लीन करता था। अपुन आज इस जगह पर पहुंचा है तो खुद के जिगरे से, इसके मारे एक एक मुक्के ने अपुन को याद दिलाया कि कभी रेलवे ट्रैक पर 30 लोगों ने अपुन पर अटैक किया था और सबको अकेले अपुन ने धो डाला था। ठीक है तो सुनो, अपुन अभी फैसला नहीं लेगा, एक और डील तुम लोगों को अपुन देता है, कर पाओगे? आप बोलो भाई, हम चुटकियों में कर देंगे। कृष्णा पहलवान को खत्म कर दो, है दम? है दम? अरे बोलो ना, क्या है किसी में दम? मैं खत्म करूंगा भाई के सिर की कसम, जब तक वादा पूरा नहीं करता कृष्णा पहलवान को मारे बिना पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। शाबाश, देखा, ताकत इसको बोलते हैं, जिसमें ताकत होती है वो तलवार की धार को अच्छे से पहचानता है। ए, चलो अब निकलो यहां से, चलो जाओ। छी, मुझे छूना मत। तुम्हें कोई शर्म मान सम्मान है कि नहीं? तुम्हें ऐसा जीवन जीने में शर्म नहीं आती क्या? अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो तब भी ऐसा करती तुम? सुनो, देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक अकेली माँ अपनी बेटी से कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करवाएगी, नहीं करवाएगी। मैं तुम्हारी माँ की जैसे ही हूँ, जब मैं छोटी थी, मतलब तुम्हारी तरह थी ना, तब अपनी जिंदगी के लिए बहुत से सपने देखे थे, लेकिन क्या करती, मेरे घर में खाने के भी लाले थे, पिताजी शराबी थे, लेकिन जब मैं जवान हुई तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। पता है किसके साथ करवाई थी? मेरे पिताजी से भी उम्र में बड़े थे वो, मैं उसकी 3री बीवी थी। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उम्र की चाह में खुद को रोक भी नहीं पाई, अपने पति की हत्या कर दी मैंने।
और दूसरे आदमी के साथ भाग गई और उसने मुझे इस मंडी में बेच दिया और यहाँ से चला गया। देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अंधेरे कमरे में भी उजाले की खिड़की एक दिन जरूर खोलता है, लेकिन वो खिड़की कौन सी है वो हमें ढूंढनी होती है, बस इतना ही। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम जाकर अच्छे से सो जाओ, जाओ सो जाओ। देखो वो पीछे का दरवाजा खुला है, सब सो गए हैं, तुम जाओ। पर आप मेरे बारे में मत सोचो, तुम पहले जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। पहलवान आ रहा है। Ugh!
ये वारदात आज ही हुई है, सुबह के 6 बजे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला है, बाद में देखते हैं। सर, नहीं सर, कोई आई विटनेस नहीं मिला। मुसीबत में है सर। सर, ए प्रवीण, हाल ही में जो क्रिमिनल्स छूटे हैं ना, उनकी फाइल्स मेरे पास लेके आओ। ठीक है सर। सर, बड़ी बात नहीं है, पैसे देकर मर्डर कराने का मामला है। वो कृष्णा पहलवान और नायडू के बीच दुश्मनी है, उसने ही किसी को भेजा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं नोट करके रखता हूँ सब। सर फाइल। अरे उसका क्या है, अंदर बुलाओ। साहब बुला रहे हैं, आइए मैडम। सर नमस्ते सर, मेरा नाम पावनी है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मेरे एरिया में यह धंधा चल रहा है, चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे। हाँ आइए सर। ए, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा, अब बैठ जाइए गाड़ी में। समझाने के लिए कहा तो पीछे का दरवाजा दिखा दिया, थू गद्दार कही की। ए, इसको यहां से फेंक कर डेटॉल से क्लीन करो। यही घर है ना? हाँ सर, यही है वो घर। सर यही है वो चुड़ैल, हमारी जैसी लड़कियों से धंधा करवाती है। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए सर। What are you waiting for सर? इन्हें अरेस्ट कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो पहले भी यहाँ पर एक बार आ चुकी हो ना, सही कहा ना? हाँ सही कहा। तो जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो किसी ने तुमसे धंधा करवाया था क्या? अब जब धंधा नहीं करवाया तो कंप्लेंट किस बात की? तुझे देखते ही मेरे को दया आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ पर गलती से आई, दूसरी बार तो तू यहाँ से भाग भी गई थी, तीसरी बात हमारी कंप्लेंट की। तुझे अंदर आराम से आम खाने के लिए कहा था ना, तो बाहर जाकर गुटलियों के दाम बताने क्यों चली गई? यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, आगे से ऐसे सोचने भी नहीं दूंगी तुझे मैं। नहीं भाई, सही वक्त नहीं है। अच्छी लड़की है वो पावनी, देख अगली बार उसे घर से भगा ही लेंगे। ठीक है अभी चल, चल यार। अच्छा काम किया इंस्पेक्टर। आपकी वजह से पोस्टिंग मिली, आप ही की वजह से तो ये यूनिफॉर्म है, ये तो बस छोटा सा ग्रेटिट्यूड था। हाँ, इस हेल्प के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, शाम में इन दोनों को। हे राम, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहा है यार? हाँ मैं वहां पर जाऊंगा। कहाँ? उस कोठे पर। जो भी हो मुझे उसे छुड़ाना है। बात तो सही कह रहा है, जब मैं मुश्किल में फंसा था उस लड़की ने बिना जाने पहचाने मेरी मदद कर दी थी, अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आज उसकी मदद नहीं की तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। चल ना फिर अभी चलते हैं। ऐसे अरे सुंदरी, आज रात को फ्री हो क्या? सॉरी अभी बुक हुई। यार जस्ट मिस कर दिया, पर कोई नहीं अगली बार। ए, आना। बाय बाय। क्या टाइम पास कर रहा था वहाँ पे? अरे बस ऐसे ही है। क्या रे, फर्स्ट टाइम है? हाँ
कौन से एज ग्रुप की चाहिए? 18 साल की। तुमने जैसे मुंह उठा के हमसे पूछ लिया कि हमारा फर्स्ट टाइम है या नहीं, तो अब हमें भी वैसी ही लड़की चाहिए जिससे हम पूछे कि उसका फर्स्ट टाइम है या नहीं और उसका जवाब हाँ होना चाहिए, समझी? वो सब ना कल भी यही बोलेगी। मम्मी मुझे जानती नहीं हो आंटी, चेहरा देखकर इंसान पहचान जाता हूँ। लड़की को कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स आए हैं और कितने सब्सक्राइबर हैं, सब जान जाऊंगा मैं। ज्यादा लंबी छोड़ो नहीं बाबा। मेरे को बाबा नहीं बोलने का, बचपन में सब मुझे बाबा बाबा ब्लैक कहते थे। इतनी जल्दी क्या है बाबा, मुझे तो असली मर्द लगा इसलिए बाबा बुलाया। मर्दानगी तो तुम्हारे अंदर से भी छलक छलक के बाहर आ रही है आंटी। तुम्हारी रेंज क्या है? रेंज बाद में दिखाता हूँ, पहले जो मैंने माल अरेंज किया है वो तो देख ले। बाहर आओ, जीजा जी आए हैं। वाह, देख लो जीजा जी, जो पसंद आया उसे अच्छे से देखो और सिलेक्ट कर लो। हाँ आओ ना बाबा। ऐसे कैसे आ जाऊँ, तुमने वादा तो निभाया नहीं, तुमने कहा था फ्रेश माल मिलेगा, एक भी नहीं है। वो देखो जीजा जी, फ्री वाली बस यही माल है, तो इसमें से जो पसंद आए वो सिलेक्ट करो। ये लड़कियाँ तो मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। बड़े जौहरी बन रहे हो। जमीन के ऊपर जितने हो उतने ही जमीन के नीचे हो। अगर यहाँ सिर्फ बात करने आए हो ना तो यहाँ से निकल लो। हाँ, ये वंदना का अड्डा है, यहाँ निराशा नहीं मिलती। उस नई लड़की को लेकर आओ। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तेरे आश्रम को आग लगा दूंगी। मुझे ये लड़की पसंद है। खाली आ जाएगा क्या बाबा? चल डाल इसमें। डाल दिया। आंटी एक अच्छा सा फ्रेश पीस मुझे भी दिखाओ ना। हाँ, ये मामा मैं हूँ ना। चकाचक, अरे हट यार, पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे ये चल जाएगी, इसे मैं रख लेता हूँ, तुम ये रख लो। हाथ मत लगाओ मुझे। हे, मेरी बात तो सुनो। देख बेटा, कमल का फूल भी तो कीचड़ में ही खिलता है ना, तो बाकी सब कुछ तो उस भगवान पर छोड़ दे। तो इस गरीब घर का कमल का फूल है बेटा। अगर इस समाज में हम जैसे गरीबों की भी इज्जत होती ना बेटा, तो हम लोगों को भी समान हक मिल जाता। माँ तुम रो मत माँ, अगर ऐसे तुम थाली के सामने रोगी तो खाना गले से कैसे उतरेगा। माँ खाओ ना। बेटा चल निकल यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रहे हो? हम लोग जरा घूम कर आते हैं। इस सब की परमिशन यहाँ पर नहीं मिलती, पता नहीं है। वैसे यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया, शोरूम भी गाड़ी बेचने से पहले एक टेस्ट ड्राइव देता है ना, फिर भला तुम क्यों मना कर रही हो?
ठीक है, लेकर जा। अरे थैंक यू मैडम। ए, तू इधर ही रहेगा, तेरे आने तक ये यही रहेगा। सॉरी दोस्त, बस थोड़ी देर में आते हम। अरे सॉरी बोलने की क्या बात है भाई, तू आउटडोर खेल, मैं इंडोर खेलता हूँ, तू आराम से जा घूम क्या, जा जा आराम से जा। चलो मैं तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। ओके तुम ना एक टिकट कंफर्म कर दो बेबी, रिसॉर्ट में सारे मंत्री अरेंज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी कीमत पर छोड़ना मत, समझी? हाँ बेबी। बेचारा पागल प्रेमी। मेरी बात समझ रही हो ना बेबी? मेरी पावनी कहाँ है? ओ, तुम्हारी पावनी, वही चाहिए क्या? इस जगह पर उससे भी ज्यादा सुंदर लड़कियों का खजाना पड़ा है, हमें लगा था ये मजे मारने आता है, पर ये तो मजनू बन गया बेबी। किसी दूसरी को ही सिलेक्ट करके जा रहे। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे मेरी पावनी ही चाहिए। मैं भी नहीं चाहिए, बस एक बार आंख में आंख डालकर देखो, तुम्हारी सारी प्यास मिटा दूंगी मैं। इस वंदना के अड्डे पर जो भी मर्द आता है ना, उन सबका मैं सपना हूं, कुंवारों की इच्छा हूं, एक तरह की अप्सरा हूं। इस वजह से अगर मेरा दिल तुम पर आ गया हो तो मतलब तुम लकी हो, तुम्हारी ये हाइट, तुम्हारी ये सूरत, तुम्हारे चेहरे का इनसेंस मुझे बहुत पसंद है। पावनी कहाँ है? आज वो बाहर गई है। वो कहाँ गई है यही पूछ रहा हूँ। उसके आने तक मैं कंपनी देती हूँ ना। प्यार और हवस के बीच के अंतर को तू नहीं मेरी पावनी पहचानती है, सीधी तरह बता दे। मेरी बेबी। मेरी पावनी को कुछ हुआ ना तो? बेबी तुम ठीक तो हो ना? बेबी ये मोटली तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुन, अपुन अभी बहुत अच्छे मूड में है। नहीं नहीं है। हे, अभी तक तो अपुन कुछ किया ही नहीं, तो इसको जानता है क्या? जानता हूँ, ये वैसी नहीं है, जाने दो भाई। तेरा प्यार है तो एक काम कर, बस 10 मिनट के लिए अपुन को दे दे, उसके बाद तेरी जो मर्जी वो कर। एक बार छूने के बाद अपुन दूसरी बार हाथ नहीं लगाएगा, उसके बाद शादी करके हनीमून पर जा, अपुन फुल स्पॉन्सर करेगा इसको ना, नेपाल लेकर जाना, मस्त जगह है। नहीं तो तूने अपुन के एरिया में जो नाम कमाया है ना, कि तू अपुन के जैसा महान है, अपुन उसी एरिया के बीच बाजार में तेरे घुटने तोड़ के उठने लायक नहीं छोड़ेगा। तू आ जा। अरे हो कमीने,
जिसने तेरे को जीना सिखाया उसी का खून बहेगा। चल अपन शुगर पेशेंट है। अरे कहाँ जा रहा है? चलो। भागो भागो जल्दी। पकड़ो उन लोगों को। हेलो इंस्पेक्टर, क्या हो गया? एक मामूली गुंडे को पकड़ने के लिए इतना वक्त लगता है? इतने दिनों से आप क्या कर रहे हो? मुझे वो जिंदा चाहिए। जब तक उसे मेरे अड्डे पर लाकर खत्म नहीं कर दूंगी ना, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ओ बेबी, शांति रखो ना। वो लोग पत्ते जैसे हैं, पेड़ से गिरने के बाद कहीं के नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, आज नहीं तो कल हाथ लग ही जाएंगे। लेकिन उसके जैसा मर्द आज तक नहीं देखा बेबी, है ना? तुम्हारे घर में आकर तुम पर चाकू रखने वाला हिम्मत वाला मर्द, इसीलिए उसे एक ही बार में खत्म नहीं करेंगे बेबी। उसे बिस्तर पर बिठा के
तुम्हारे एक एक अंग को अच्छे से मसाज करने लगा। मैं आए अमृत को एक बार चखोगी नहीं क्या? उसे ऐसे तड़पाएंगे कि बिना कुछ किए ही तड़पेगा बेबी। छाती पे लात मार लो, यहाँ मत मारो, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या रे, मैं तुझे मार रही हूँ और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे मुझे पागल सांड ने काटा है जो मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगा? तू तो विश्व सुंदरी है बहन, आई मीन भाई। सीधे सीधे नहीं बताया ना कि वो दोनों कहाँ पर है? तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी रे बेटा। देख तुझे मुझे जितना भी मारना है तू मार ले, पर मुझे बेटा मत बोल वरना मैं कंफ्यूज आ जाऊंगा कि मैं तुझे मम्मा बुलाऊं या पापा बुलाऊं। समझ रही हो ना है? कॉमेडी बचपन से बाप की मार खाई है ना, अब माँ की मार खा। बाप भी मारेगा, माँ भी मारेगी। मजा आया? तुम्हारी माँ की कसम मुझे नहीं पता है कि वो दोनों कहाँ है। नहीं पता? नहीं नहीं पता, नहीं पता। बिजली, अगर यहाँ तुझे मार दिया ना किसी को बाहर लाश नहीं, 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 मिलेगी। मैडम छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, आप एमएलए बन सकती हैं, और ये सब अगर पता चला तो आपकी इमेज डैमेज हो जाएगी। देखिए मैं किस लिए हूँ, वो राम दो लोगों को मार कर भागा है ना, जहां भी जाएगा उसे ढूंढ कर एनकाउंटर कर दूंगा, उसके बाद उस चिड़िया को पकड़ के यहीं कैद करूंगा। चलो ए बाबा, वो तलवार मेरी है, मुझे दो। चल इंस्पेक्टर, मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए। इंस्पेक्टर चले क्या? चल तुझे दिखा, आगे बैठूंगा मैं। बाबा बेबी, बाबा ना उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिर करेंगे। कहाँ हो? पकड़ो। पर तुमने ये सही नहीं किया, ऐसा क्या काम था? वो क्या है ना, सभा समारंभ भूमि पूजन पर सब जगह लेट जाते हो ना, यहाँ भी लेट आओगे क्या? तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी मैं। इतनी समस्याओं में से तुम्हारी भी एक समस्या है। कलकत्ता में किसी ने तुम्हारी लड़की को इस बारे में दिल्ली असेंबली में चर्चा हो रही है। अब असेंबली में चर्चा होना पता है ना क्या होता है? बस इतना ही ना, रहने दो, मुझे सब पता है। 25 लड़कियों को देह व्यापार के जुम्मे पकड़ा लिया गया है। मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ क्योंकि तुम्हारे होते हुए मेरे यहाँ रेड कौन डालेगा। इस बार गलती से पकड़ लिया, अगली बार रिपीट नहीं होगा। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र के प्रभावी नेता का भी हाथ है, ऐसी बात फैल रही है, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मैंने कहा ना, तुम्हारे टेंशन के लिए, थकावट के लिए मेरे पास एक दवाई है, आओ। अरे तुम बेबी बेबी ऐसा मत करो यार। अरे अरे तुम बहुत ठंड है, अगर ओढ़ने के लिए कुछ मिलता तो अच्छा होता। बहुत ठंड है। अभी के लिए ये लो, मैं सुबह शहर जाकर बाजार से कुछ ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है।
तुम्हें ठंड नहीं लग रही? हाँ लग तो रही है। तो मेरे पास आकर लेट जाओ। ओह मैंने पहले ही फिश खाई है, अगर ऐसे में सोया तो मेरे शरीर की गर्मी से मुझे शायद कुछ और करने का मन करेगा। मैं यहीं पर ठीक हूँ। सच बोल। सर आपके बाप की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलेगा तो टांग तोड़ दूंगा। मुझे सच में नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। पता नहीं, नहीं। है जा। ए, ये इतना नीचे क्यों पहना है? रूपा है सर। ये दूंगा ना। मेरी रूपा को छुपा लेता हूँ। ये क्या सर आपने छोड़ दिया? शेर को पकड़ने के लिए बकरी को छोड़ना पड़ता है। बकरी छोड़ दी, उस पे नजर रखना। हाँ ठीक है सर। मंत्री जी इस साल में होने वाले इलेक्शंस में मुझे आपकी पार्टी से टिकट चाहिए। टिकट? पार्टी का टिकट का मतलब रेलवे का टिकट थोड़ी है। मजाक बंद कीजिए, टिकट दोगे ना? देखो वंदना, राजनीति में आने वाले लोग जनता की सेवा करने वाले लोग होते हैं, जिनसे पार्टी का भी भला होता है। टिकट उन्हें मिलता है, लेकिन तू तो राजनीति में आने से पहले अधिकार पाकर लोगों को लूटने की तैयारी कर रही है। इसीलिए तुझे टिकट देकर मैं अपनी पार्टी का मजाक उड़ाना नहीं चाहता। उसमें क्या गलत है? लड़कियों को बेचकर तुम भी तो पैसे बना रहे हो ना? अपनी जबान को लगाम दे। लेकिन क्यों? पब्लिक में भैया और प्राइवेट में सैया, क्या ये सबको बता दूं? अगर कोई अच्छी औरत पूछती ना तो इस सवाल का जवाब देता मैं, लेकिन पूछ कौन रहा है? मंदा चलाती है धंधा। देख मंदा, तू ना ये राजनीति के सपने छोड़, तूने नॉमिनेशन भर भी दिया तो पार्टी में आने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है जो तेरे पास नहीं है। इसलिए वंदना देखो, ये हाथ दिखाकर बर्बादी को क्यों बुलावा दे रही हो? लेकिन ये वीडियो दिखाकर अध्यक्ष जी का दूसरा चेहरा विरोधी पक्ष को दिखा सकती हूँ। कौन सा वीडियो? हमारी रासलीला का। मुझे दे, मजाक मत कर। ये नॉर्मल है, एचडी तो अंदर रखा है। जिसका डंडा उसी की आवाज। वंदना देवी की जय। 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 हेलो, मैं हूँ राम। अरे राम, राम कहाँ है तू यार? तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर तू है कहाँ? वो मैं बाद में बताऊंगा, वहाँ पर सब कैसा है? अरे यार अच्छा हुआ तू भाग गया, यहाँ हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये सब। वंदना का गैंग, भाई का गैंग, पुलिस वाले, सबको तू चाहिए, समझ रहा है? ए, भागने के लिए ये सब नहीं किया था मैंने। उन्हें हमें ढूंढते रहने दो। मतलब? वो बाद में समझ जाएगा तू। हे, 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 राम, अरे अजीब आदमी है, भाई भी नहीं बोला, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वंदना देवी की जय। 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 Yeah.
तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नहा रही हूँ, पता नहीं है क्या? ए, मैं अपना शर्ट लेने आया था। मैं सब समझती हूँ, शर्ट के बहाने तो मुझे देखने आए थे, मुझे सब पता है। छी, सब लड़के जन्म से ही ऐसे होते हैं, एडवांटेज लेने में कभी पीछे नहीं हटते। सबके सामने श्री रामचंद्र बने घूमते हो और लड़की को देखते ही कृष्ण बन जाते हो। तुम लड़कियाँ जैसे कम ही होती हो ना, सबके सामने सांप देखते ही खुद ही मार के गोद में बैठ जाती हो और अकेले में उसी सांप को गले में डालकर घूमते रहती हो। हम भी जानते सब। ए, छी, जाओ उस तरफ। हाँ, जा रहा हूँ, शर्ट लेने दे। तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा शर्ट नहीं चाहिए, जाओ। बाहर आने के लिए कपड़े नहीं चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, देखते हैं। दुनिया के लिए डॉन, पर तुम्हारे लिए आई एम गॉन। चलो भाई। Hey!
राम। ए, इसको ले चलो। पंछी के जोड़े की तरह चोंच लड़ा रहे थे, इनके पंख काट के आपके सामने ले आया। अब या तो इसको फ्राई कीजिए या उसकी ग्रेवी बनाइए, जैसी आपकी मर्जी। और मैं जा रहा हूं इन दोनों को चखने। बहुत मेहरबानी बाबा, थैंक यू। एक गली के कुत्ते ने तुझे मुंह लगा के झूठा कर दिया ना रे। तुझे तो यही लगा होगा ना कि तू सीता है, और ये भिखारी तुझे श्री रामचंद्र लगे क्या? और हाँ, हमारी बेबी को तुम लोगों ने रावण समझाया क्या भीख मंगो? यहाँ पर रामायण नहीं, कामायण चलती है। कामायण। वैसे तुम दोनों की प्रेम कहानी में एक और ट्विस्ट आ रहा है। ए लड़कों, इस सीता को ले जाकर सिल्क बना दो। सिल्क। ए, सुअर की औलादो, अगर किसी ने भी उसको छुआ ना तो काट के रख दूंगा। शाबाश छोकरे, तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ। आफ्टर ऑल तेरे जैसा मर्द ही तो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, यहाँ पर मौजूद हर लड़की के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ए लंकिनी, तू कौन है मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मैं कौन हूँ ये तू नहीं जानती। मैं कौन हूँ पता है ना? यहाँ हर कोई गर्मी दिखाने आता है और ठंडा होकर चला जाता है। तू कौन है क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पैसे दे फिर गाड़ी निकाल। ये धंधे वाली है, इसके मुंह क्यों लगूंगा। ये लो। साड़ी पहनी हुई हो और तलवार पहलवान की तरह चला रही हो। अरे फूटी किस्मत। क्या कर सकती हूँ मालिक, दुनिया ऐसी ही है मालिक। ये जो दुनिया है ना, सब कुछ दिखा देती है। साड़ी पहनी हुई औरत को तलवार चलाना भी सिखा देती है, समझा के नहीं। यहाँ तक कि खून करना भी सिखाती है, खुल जाना या खोल देना। ये दुनिया का सबसे बड़ा सबक है, और आप जैसे लोग ही तो ये सबक सिखाते हैं। अब बिना कुछ बोले चुपचाप निकल यहाँ से। जाता है कि नहीं? मेरे को पीना है और पीना है और बोतल चाहिए, मुझे और चाहिए, पीना है और पीना है। सुन, खाने में क्या बना है? दाल चावल बनाया है। बेटा पढ़ाई कर, शोर मत मचाओ। तेरा बेटा पढ़ के वैसे भी कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? अंडा उबाला कि नहीं? अरे दिए, कितनी बार कहा आपसे ये गंदी शराब मत पिया करो। क्या कहा? पापा, पापा, शराब मत पिया करो। जब आप शराब पीकर गिरते पड़ते हो तो स्कूल में मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। शराबी का बेटा कहकर मेरी बुक और बैग छीन लेते हैं। जब मैंने ये बात टीचर से कही तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पापा किसी राज्य के महाराजा हैं?
ये तो क्या बोल वो लोग कहते हैं कि मैं भी आपके तरह बनूंगा। नहीं बेटा, वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं पापा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जरा मत नहीं बेटा, तो रो मत, मैं हूँ ना बेटा, मैं तुझे इनके जैसा नहीं बनने दूंगी, तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। कमल का फूल भी तो कीचड़ में ही खिलता है ना, तो बाकी सब कुछ तू उस भगवान पर छोड़ दे। लेकिन तू तो इस गरीब घर का कमल का फूल है बेटा, तो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा ऑफिसर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा बेटा, रो मत बेटा। ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, अगर ये घर के बाहर गया ना तो इसको काट के रख दूंगा। दरवाजा किधर है? अब ये दरवाजा किधर गया? तू आ बेटा, बैठ यहाँ, तेरे पापा को तो तू जानता है, तू ज्यादा मत सोच, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। सुनो भाई, चलोगे क्या? क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पर हम किस लिए खड़े हैं? कहाँ जाना ये बताइए। इस गांव के सारे पर्यटक जहाँ जाते हैं ना उस जगह पर लेकर चलो। वो क्या है ना कि सफर करके बहुत थक गया हूँ मैं, किसी अच्छे से लॉज में ले चलो। ऐसा बोलो ना कि ऐश करनी है, हमको भी आपके जैसे ही लोग चाहिए सर। हाँ। आइए आइए चलते हैं। ए, 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 आराम से आराम। अरे डरो मत सर। हाँ। आराम से आराम से। ए, ए, रुक जा। हाँ। जो करने आए थे कर लिया? हाँ कर लिया। मजा आया ना? बहुत मजा आया। हाँ। अरे साहब अंदर तो आइए पहले। आओ आओ, क्या जानकी रामा, इस कुचेल के घर में कुबेर को लेकर आए हो क्या? हा? दीदी मालदार पार्टी है, बकरे को अच्छे से हलाल करना। नोट मुझे चाहिए, खेल तुम्हें चाहिए, इन सब में से जो चाहिए उसे चुन लो। इस तरह के फल तो बेंगलोर में बेकार सड़ते रहते हैं, बेंगलोर के हर नुक्कड़ पर ऐसी चीजें मिलती हैं। मैं तो यहाँ पर मैसूर की मिठाई खाने आया हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो दिखाओ। मेरा मैसूर पाक नजर आ गया। ये मिठाई बहुत महंगी है। कितनी भी महंगी होगी तो भी चलेगी, एक बार इसकी सवारी करना तो बनता है। अरे रुकिए ना सर। हाँ। इसको हासिल करना इतना आसान नहीं है, अगर इच्छा पूरी करनी है तो थोड़ा और हल्का होना पड़ेगा, तभी जाके पिघलेगी। अच्छा भाई समझ गया। कैच, कैच, नो मनमोर कैच। आज मौसम बदनाम हो गया तेरी नजर। ये लो पकड़ो इसे। आज बहुत सुंदर लग रही हो। बेटा इतनी जल्दी क्यों सो गए, चलो उठ जाओ, देखो तेरे पापा तेरे लिए क्या लेकर आए हैं बेटा, चलो 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 उठ जाओ। मैं तुझे बहुत परेशान करता हूं ना, ये ले खा ले। कल की डांट से तो मुझ पे गुस्सा हो गया है, देख अब मैं तुझे नहीं डांटूंगा, चल खा ले इसे, मुंह खोलो बेटा ऐसे। मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बेटा, लेकिन मैं तुझे दिखाता नहीं हूँ। हाँ खा ले ऐसे, सो जाओ सो जाओ।
आराम से। काव्या, पहन के दिखाना। अभी इतनी रात को क्या साड़ी पहन के दिखाऊं? तुम पहनती हो या मैं पहनाऊं? आज तो बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें। प्यार तो है ही, बस आज कुछ ज्यादा आ रहा है। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें जब भी देखता हूँ मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता हूँ मेरी जान। तू छूना मत। मैं हूं जानकी रामा, बिचौला, ब्रोकर, एक दलाल, पिंप। इस काम को करने में भी शर्म नहीं आती, डर ही नहीं लगता। तुमने तो धंधा छोड़ दिया था ना, सीधे रास्ते पर चलूंगी, ये काम नहीं करूंगी, अपने बेटे को पढ़ा के बड़ा अफसर बनाओगी। हाँ, बहुत भाषण देती थी ना तू। हाँ देती हूँ, कुछ पैसों के लिए उस कोठे पर जिन आदमियों को ले जाते हो वही आदमी आपके घर का दरवाजा भी खटखटाते हैं। जो इंसान दूसरी औरतों के शरीर का सौदा कराता है उसकी बीवी को दुनिया वाले गंदी नजर से देखते हैं, ये कष्ट मुझे उठाना पड़ता है। तुम अपनी कमाई दारू पर उड़ा देते हो, घर के लिए पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ देते हो, घर चलाने के लिए जब तुम मुझे पैसे ही नहीं देते हो तो मैं आखिर करती तो क्या करती? और इसलिए मुझे यही करना सही लगा। मेरी जिंदगी तो मैंने जी ली, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे यही काम करना सही लगा। आगे भी मैं ये काम करती रहूंगी, गलत है? हमारे बेटे के लिए ये काम मत करो। आज के बाद से बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा। ए राम, दीदी बुला रही है, चल। है शिवा, मैं अब से वहां काम नहीं करूंगा, जाके बोल दे। उन्होंने तुझे नहीं बुलाया है, तेरी बीवी को। पैसे तो दे रही हूं पर जो बोलूंगी वो सब कुछ करना पड़ेगा, टाइम पे काम पे आना पड़ेगा, वरना इतना मारूंगी कि चमड़ी उधड़ जाएगी। दीदी, दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हम ये काम नहीं कर सकते दीदी, हम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अबे क्या रे, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में, ऐसा सोचा भी कैसे तूने? मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पालते हो तुम लोग, पालतू है ये समझकर तेरे सिर पर हाथ फेरा था मैंने, अब मुझे ही काटने चला है तू? ए, ले जाओ इसे और मार डालो, और इसकी औरत को खींच कर ले आओ मेरे पास। मार दो मुझे।
आसानी से मत छोड़ना। बेबी मारो बेबी। Oh!
रे 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 बाबा ये क्या हो गया? जोत का डंडा घुसाओ। बेबी। ए, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे बेबी चाहिए ना? ले ले। ले। ये। ये। मुझे छोड़ के मत जा बेबी। छोड़ मुझे। बेबी।